अजीम चेन साजिश के जरिए मुसल्लत की गई इंपोर्टेड सरकार ने कैसे मईशत को तबाही के घाट उतार दिया। चार महीने में पेट्रोल की कीमत में 57% इजाफा, डीजल 71% महंगा, बिजली की कीमतों में 125% का इजाफा। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें। अच्छा, इस खिताब के साथ इमरान खान के बयानिए में एक तब्दीली महसूस हुई है। इससे पहले तक इमरान खान रिजीम चेंज ऑपरेशन की मुजम्मत और उसके किरदारों के खिलाफ आपको पता है कि बात करते दिखाई देते थे। अब इमरान खान माजी की बजाय मुस्तकबिल की बात करते नज़र आ रहे हैं, तो अब लग ऐसा रहा है कि जैसे कप्तान ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है और इस इंतखाबी मुहिम में वो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी का कच्चा चट्टा खोल रहे हैं। मौजूदा हुकूमत जिसमें एक दर्जन से ज्यादा जमातें शामिल हैं, कप्तान के बाउंसर्स की जद में, कप्तान ने जारहाना हिकमत अमली के साथ अपनी मुहिम का आगाज़ कर दिया। आज भी कप्तान ने अपने ट्वीट में मौजूदा हुकूमत और अपने दौरे हुकूमत का मुआजना किया। कप्तान क्या लिखते हैं कि जी हमारे दौर में शरा नमू, बरामदात, तरसीलात ज़र और टैक्सों की वसूलियाँ तारीख में बुलंद तरीन सतह पर रहीं। आज पाकिस्तान को बदतरीन महंगाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। समाज का हर तबका जिसकी जद में है, बेरोजगारी, गजाई अदम तहफ़ रुपये की कदम में गिरावट का सामना है। एक और पैगाम में उन्होंने तस्वीर की मदद से दोनों अदवार का मुआजना किया। क्या लिखा कि जी हम अपने पीछे क्या छोड़कर गए और अजीम चेन साजिश के जरिए मुसल्लत की गई इंपोर्टेड सरकार ने कैसे मईशत को तबाही के घाट उतार दिया। चार महीने में पेट्रोल की कीमत में 57% इजाफा, डीजल 71% महंगा, बिजली की कीमतों में 125% का इजाफा और LPG 25% महंगी हुई। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 43% का इजाफा हुआ। एक जगह मईशत का मुआवजा भी पेश किया गया। अच्छा, मार्च 2022 जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उस वक्त जो GDP है 6%, जबकि मौजूदा हुकूमत में 2% होने का इम्कान है। ज़रात में 4.4% इजाफा था और PTA दौर में, जबकि मौजूदा हुकूमत में इसके मनफी 0.7 रहने का इम्कान है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में सनतें 9.8% की जो शरह है उसे तरक्की कर रही थी और अब इसकी शरह 1.9% होने का इम्कान है, यानी 8% की गिरावट। और सर्विसेज का शोबा भी गिरावट का शिकार है, 2.2% की गिरावट नज़र आती है। और एक चार्ट में कीमतों के हवाले से मुआवजा किया गया। पीछे दौर में 150 रुपये लीटर पेट्रोल था जो अब 236 रुपये का हो गया। डीजल 144 से 247 पर पहुंच गया। बिजली 16 रुपये फ़ी यूनिट से 36 रुपये फ़ी यूनिट, यानी दुगना इजाफा। आटा 55 रुपये फ़ी किलो से 90 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच गया। घी 447 से आप देख लें तकरीबन 542 रुपये का हो गया। और दाल माश की कीमत में 108 रुपये का इजाफा। मसूर की दाल जो है 107 रुपये महंगी हो गई। प्याज की कीमत में 53 रुपये का इजाफा हो गया। टमाटर 84 रुपये महंगा हो गया। इमरान खान ने एक और ट्वीट में लिखा कि जी IMF और आलमी बैंक की रिपोर्ट से जाहिर है कि जी बुलंदी की जानिब गामजन एक मुस्तहकम मईशत मिलने के बावजूद कि इम्पोर्टेड हुकूमत मईशत को तबाही के गड़े में गिरने से बचाने में नाकाम रही है। इक्तसादी सर्वे इस हकीकत का आकाश है कि हमारी मुआशी कारकर्दगी गुज़िश्ता 70 बरसों में बेहतरीन थी। अब दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के बयानिए में भी एक वाज़ेह तब्दीली महसूस हो रही है। कल तक अवाम को सब्ज़ बाग दिखाने वाले और मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहाने के दावेदार लीगी रहनुमाओं को आटे दाल का भाव पता चल गया, लिहाजा अब वहाँ मिसाक जमहूरियत जमहूरियत का राग अलापने के बजाय एंटी इमरान खान बयानियाँ पूरी कुव्वत से पेश किया जा रहा है। हुकूमत में रहते हुए भी ओप बयानियत से लगता ऐसे है कि हवाओं का रुख तब्दील होने वाला है। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज़ बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।